हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मनो और आप देख रहे हैं गैजेट गिग हिंदी। और भाइयों, जेनफोन मैक्स प्रो M2, इसकी जो स्पेसिफिकेशन है ऑलमोस्ट लीक हो चुकी है और जो कंपनी ने लॉन्च से पहले ही काफ़ी टीजर्स वगैरह भी डालने शुरू कर दिए हैं, तो हमें इसकी स्पेसिफिकेशन ऑलमोस्ट अब पता लग चुकी है क्या होने वाला है लॉन्च से पहले पहले। तो आज की वीडियो में मैं इसी फ़ोन के बारे में बात करूंगा, साथ में जो इसको मैं कंपेयर भी करूंगा M1 से कि कितने हद तक आपको यहाँ पर जो फ़ोन में इंप्रूवमेंट देखने को मिलती है इस फ़ोन में। तो देखते रहिए वीडियो और बने रहिए गैजेट गिग हिंदी के साथ। तो भाई, जेनफोन मैक्स प्रो M2 जो फ़ोन है वो काफ़ी हद तक जो हमें स्पेसिफिकेशन है लीक हो चुकी थी, काफ़ी हद तक हमें सब कुछ पता भी है। और कंपनी ने अभी इसकी लॉन्च डेट है 11 दिसंबर को ये लॉन्च होगा और आप इसको फ्लिपकार्ट से खरीद सकते हैं। तो यहाँ पर जो फ़ोन है, मैं खुद एक्साइटेड था इस फ़ोन के लिए, तो यहाँ पर अब लॉन्च होने वाला है। तो अगर मैं बात करूँ इसके फीचर्स के बारे में, तो कंपनी ने खुद यहाँ पर टीज करना शुरू कर दिया। और जो पहला फीचर जो कंपनी ने यहाँ पर ट्विटर वगैरह पे भी डाला और जो यहाँ पर यूट्यूब में इसकी वीडियोस भी देख सकते हैं, यहाँ पर उन्होंने जो फीचर किया है तो वो है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 6। तो वो बहुत ही अच्छी चीज़ है इस फ़ोन में, क्योंकि कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 6 आपको बजट प्राइस सेगमेंट में तो अभी तक देखने को नहीं मिलता था, और ये पहला फ़ोन होगा बजट प्राइस सेगमेंट में जिसमें आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 6 देखने को मिलेगा। क्योंकि जो गोरिल्ला ग्लास 6 है वो काफ़ी एक्सपेंसिव भी रहता है और आपको सिर्फ हाई एंड फ्लैगशिप फोन्स में ही देखने को मिलता है, तो यहाँ पर आपको गोरिल्ला ग्लास 6 देखने को मिलता है, तो वो बहुत ही अच्छी चीज़ है जिससे उसकी ड्यूरेबिलिटी जो है वो बढ़ेगी। यहाँ पर आप अगर इसको फोन को गिरा भी देंगे तो मेरे ख्याल से फ़ोन की जो स्क्रीन है वो शैटर नहीं होगी, टूटेगी नहीं, तो वो बहुत ही अच्छी चीज़ है। और अगर मैं बात करूँ और फीचर्स के बारे में, तो यहाँ पर जो सेकंड चीज़ मुझे बहुत ही अच्छी लगी लीक्स के हिसाब से और फोटोज़ के हिसाब से वो है इसका डिज़ाइन। तो पर्सनली मुझे M1 का जो डिज़ाइन था वो बहुत आउटडेटेड सा डिज़ाइन लगता था, बहुत ही पुराने टाइप का डिज़ाइन लगता था। यहाँ पर जो डिज़ाइन M2 का जो डिज़ाइन देखने को मिल रहा है वो मुझे काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। जो फ्रंट में आपको गोरिल्ला ग्लास 6 देखने को मिलता है, लेकिन जो बैक में है वो भी आपको ग्लॉसी सा डिज़ाइन देखने को मिलता है, ग्लास जैसा। ग्लास तो नहीं होगा, प्लास्टिक होगा, लेकिन जो ओवरऑल डिज़ाइन है वो काफ़ी प्रीमियम देखने को मिल रहा है और जो ओवरऑल डिज़ाइन वगैरह है वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और अगर मैं बात करूँ इसकी स्क्रीन की, तो यहाँ पर स्क्रीन भी डिफरेंट है M1 से। M1 में आपको 6 इंच की स्क्रीन देखने को मिलती थी, ऑलमोस्ट वही सेम स्क्रीन साइज़ है, 6 इंच का फुल HD IPS डिस्प्ले है, लेकिन यहाँ पर जो डिफरेंट है वो है नॉच। तो यहाँ पर आपको स्क्रीन में नॉच देखने को मिलेगा और नॉच का जो साइज़ है वो इतना छोटा तो नहीं है, ड्यू ड्रॉप नॉच जैसा भी आप बोले वैसा तो नहीं है, लेकिन स्टिल जो नॉच का जो साइज़ है वो काफ़ी अच्छा खासा साइज़ है। पोको F1 जितना बड़ा तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपको नॉच देखने को मिलेगा। और ओवरऑल डिज़ाइन है स्क्रीन का और फ्रंट बैक मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो ये थे कुछ डिज़ाइन वगैरह। और अगर मैं बात करूँ इसके अब स्पेसिफिकेशन के बारे में, तो इस फ़ोन में आपको मिलेगा स्नैपड्रैगन 660। तो ये एक इम्प्रूवमेंट है M1 से, क्योंकि M1 में आपको स्नैपड्रैगन 636 देखने को मिलता था, यहाँ पर आप स्नैपड्रैगन 660 देखने को मिलेगा Adreno GPU 512 के साथ। तो गेमिंग परफॉर्मेंस वगैरह बेटर होने वाली है इस फ़ोन में। और अगर मैं बात करूँ इसके वेरिएंट्स के बारे में, तो सेम हो सकता है उसी वेरिएंट्स में मिले जैसे आपको M1 में देखने को मिलता था, 3 GB रैम और फिर 32 GB स्टोरेज के साथ, और 4 GB रैम, 64 GB, 6 GB रैम और 64 GB। तो हो सकता है 3 वेरिएंट में आपको ये फ़ोन देखने को मिल सकता है। तो बात करें कैमरा की, तो कैमरा भी सेम हो सकता है जैसे पहले आपको M1 में देखने को मिलता था। लोअर एंड वेरिएंट में आपको मिलेगा 13 MP प्लस 5 MP का डेप्थ सेंसिंग कैमरा, जो ड्यूल सेटअप के साथ आपको मिलेगा। और जो हायर एंड वेरिएंट में जो 4 GB रैम और 6 GB रैम वाले जो फोन्स होंगे उनमें आपको 16 MP और 5 MP का जो ड्यूल कैमरा मिलेगा। तो सेम कैमराज आपको सेटअप मिलेंगे, लेकिन जो मेन इंप्रूवमेंट है वो है कैमराज की जो क्वालिटी होगी वो बेटर होगी, क्योंकि यहाँ पर M2 में आपको जो कैमराज के जो अपर्चर है वो है F1.8। ये हो सकता है लीक्स के हिसाब से जैसा आ रहे हैं 1.8 अपर्चर हो सकता है, और जो पहले जो M1 में था वो था 2.2। तो लो लाइट परफॉर्मेंस इस फ़ोन की M2 की काफ़ी बेटर होने वाली है पहले से। और अगर बात करें इसके फ्रंट कैमरा की, तो फ्रंट कैमरा भी सेम होने वाला है स्पेसिफिकेशन वाइज 16 MP का। तो ओवरऑल जो कैमराज की जो क्वालिटी होगी वो मुझे लगता है काफ़ी अच्छी होने वाली है इस फ़ोन में M1 से। तो अगर बात करें अब इसकी बैटरी की, तो बैटरी आपको सेम मिलेगी 5000 mAh की, जैसे आपको M1 में देखने को मिलती थी, यहाँ पर भी सेम 5000 mAh की बैटरी मिलेगी। और काफ़ी बड़ी बैटरी है 5000 mAh की इस प्राइस सेगमेंट, मुझे नहीं लगता 5000 mAh की बैटरी किसी और फ़ोन में आपको मिलेगी। और मैंने खुद M1 काफ़ी टाइम तक यूज़ किया और जो मेरे यूसेज के हिसाब से 2 दिन तक ये फ़ोन काफ़ी आराम से चल जाता है। तो यहाँ पर भी आपको काफ़ी बड़ी बैटरी देखने को मिलेगी 5000 mAh की, जो काफ़ी अच्छा सेलिंग पॉइंट भी है कई लोगों के लिए। और अगर बात करें यार इस फ़ोन के प्राइस की, तो जो स्पेकुलेशंस हैं, जो लीक्स हैं, जो अभी र्यूमर्स हैं, वो हो सकता है ये फ़ोन जो कम से कम 12999 में निकले, जो लोअर एंड वेरिएंट है, क्योंकि इसमें आपको स्नैपड्रैगन 660 देखने को मिल रहा है तो ऑब्वियसली, और साथ में गोरिल्ला ग्लास 6 है, तो मुझे लगता है इस फ़ोन की जो प्राइस है वो शुरू होगी 12999 में। और इस प्राइस सेगमेंट की अगर मैं बात करूँ, तो इस प्राइस सेगमेंट में आपको और भी फोन मिलते हैं, जैसे रिसेंटली लॉन्च हुआ रेडमी नोट 6 प्रो और
ये फोन की स्पेसिफिकेशन है स्नैपड्रैगन 636 के साथ मिलता है, यहाँ पर आपको 660 मिल रहा है, तो वो मुझे लगता है काफी अच्छा करेगा, आउट परफॉर्म करेगा। दोस्तों ये थी Zenfone Max Pro M2 की स्पेसिफिकेशन और मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छा लगा ये फोन। और मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगी कि जो M1 से काफी अपग्रेड है यहाँ पर M2 में, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज ने, आप जो रिसेंटली आपने देखा भी होगा कि भाई ये फोन जो पुराना वाला फोन है उसी को छोटा मोटा करके अपडेट करके निकाल दिया, डिजाइन वही रखा, तो वो चीज यहाँ पर Asus ने नहीं करी और वो बहुत ही अच्छी चीज है। यहाँ पर आपको प्रोसेसर अपग्रेड देखने को मिलता है, कैमराज में थोड़े से इंप्रूवमेंट देखने को मिलती है, डिजाइन बहुत ज्यादा अपग्रेड है, तो इस प्राइस सेगमेंट में मुझे लगता है ये फोन काफी अच्छा करेगा। तो आपको कैसा लगा ये फोन मुझे जरूर बताना कमेंट सेक्शन में, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दें। साथ में अगर आपको ये M2 से रिलेटेड और वीडियोस देखनी है, आप चाहते हैं मैं इसकी अनबॉक्सिंग वगैरह करूं, साथ में जो कंपैरिजन वगैरह करूं किसी और फोन के साथ भी, तो मुझे जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। और अगर आप चाहते हैं इस तरह की और वीडियोस में लेके आऊं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो आज के लिए इतना ही, बने रहिए गैजेट गीक हिंदी के साथ और मैं अमन आपको मिलूंगा अगली बार।